बहुत बड़ी बात है और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया था और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार फिल्मों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो उनकी जो हिम्मत है और बढ़ जाती है, उनकी जो है अपने सिनेमा के प्रति कर्तव्य और बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग इससे बहुत ही खुश हैं और हमेशा इनके साथ रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मिलने जा रहा है, हाँ मेरी फिल्म नॉमिनेटेड है, मेरी दो फिल्म नॉमिनेटेड है, राजा बाबू और निरोवा रिक्शा वाला 2, और दोनों ही बहुत अच्छी फिल्में हैं। तो उम्मीद है हमको कि कुछ अवार्ड ज़रूर मेरी फिल्मों को मिलेंगे, और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 2। हिंदुस्तानी पिछले बार मुझे हिंदुस्तानी के लिए अवार्ड मिला भी था, तो इस बार हम लोग हिंदुस्तानी 2 शूट कर रहे हैं। इसके बाद जिगर और फिर उसके बाद होम प्रोडक्शन की फिल्म जाएगी बॉर्डर, ये सारी फिल्में हैं आने वाली। बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। करप्शन में जो लोग लिप्त हैं, जो काले धन को रख के और अपनी सरकार को, अपने भारत देश को धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मुहिम शुरू किया। ये तो अभी शुरुआत है, देखिए अभी कैसे कैसे कदम उठाते हैं वो। और 500,000 के नोट बंद करके उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि आतंकवादियों को और बुरी नीयत से हमारे देश में रहने वाले लोगों को उन्होंने रातों रात भिखारी बना दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कदम है और इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप इसी तरह कदम उठाते रहिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। अवार्ड शो के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, जब अवार्ड्स होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जब किसी फिल्म को या हमारे काम को अवार्ड मिलता है तो हमें और ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील होता है, आगे और मेहनत करने का मन करता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और विनोद गुप्ता जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा सेरेमनी हमेशा रखते हैं। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ और बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस और मुझसे ज़्यादा फिल्म की हुई हीरोइनें नॉमिनेटेड हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे अवार्ड मिल रहा है कि नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ। थैंक यू।